सुप्रभात बच्चों, कल मैम ने आपको आपकी नैतिक शिक्षा बुक का पार्ट 6 भक्त राज ध्रुव के बारे में बताया था कि कैसे इतनी छोटी सी उम्र में भी ध्रुव ने अटल तपस्या और कठिन भक्ति के बल पर अपने एक देवताओं में भी एक वंदनीय स्थान प्राप्त किया। अब राजा उत्तानपाद को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और वह रानी सुनीति को भी महल वापस ले आए। अब मैम आगे का पार्ट बताएंगे। जब ध्रुव भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके लौटा तो राजा ने अपने मंत्रियों, राज्य के गणमान्य यानी कि जो राज्य के विशिष्ट लोग थे, उनको साथ लेकर बाजे गाजे के साथ ध्रुव की अगवानी की और ध्रुव को देखते हुए उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। तब ध्रुव ने आदर पूर्वक अपनी सौतेली माँ सुरेची के चरणों का भी स्पर्श किया। उसने उसे ऊपर उठाकर आशीर्वाद दिया। उसकी माँ सुनीति के आनंद की भी कोई सीमा नहीं थी। उत्तानपाद की आज्ञा अनुसार ध्रुव को सुसज्जित राजसी हाथी पर बिठाकर उसकी शोभा यात्रा निकाली गई और सभी लोगों ने उस पर फूलों की पुष्पों अर्थात फूलों की वर्षा की। इस प्रकार सबका सम्मान और आशीर्वाद पाकर ध्रुव ने नगर में प्रवेश किया। महाराज ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं तप करने वन में चले गए। जो ध्रुव का छोटा भाई रानी सुरुचि का जो पुत्र उत्तम था, वह एक दिन शिकार करते हुए यक्षों के हाथों मारा गया और उसकी माता सुरुचि इस दुख को सहन ना कर सकी और वह भी स्वयं एक जलते हुए जंगल में घुस गई और इस प्रकार वह भी चल बसी। लेकिन ध्रुव ने बहुत काल तक न्यायपूर्वक अर्थात उन्होंने कभी भी किसी के साथ भी कोई भी अन्याय नहीं किया, राज्य किया और वह वृद्ध बूढ़े होने पर अपने पुत्र को राज्य देकर बद्रिका आश्रम में तपस्या करने चले गए। तो अपनी अटल प्रतिज्ञा से ध्रुव इतने प्रसिद्ध हुए कि लोग कहते हैं कि उन्हीं के नाम पर आकाश में स्थित एक तारे का नाम ध्रुव तारा पड़ा। और आप सबको भी पता है कि प्राचीन काल में जब लोगों को दिशाओं का ज्ञान नहीं था, आप सबको पता है कि 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लेकिन जब लोगों को इन दिशाओं का ज्ञान नहीं था तो वह उत्तर में ध्रुव तारे को देखते हुए अपनी दिशा, अपने रास्ते को खोजते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। और आज इतने वर्षों के बाद भी आकाश में स्थित तारे को ध्रुव तारे के नाम से हम सब जानते हैं। तो अब मैम आपको इसके प्रश्न उत्तर और रिक्त स्थान करवाएंगे। तो अब इसमें सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला वाक्य है, ध्रुव के पिता का नाम, आप सबको पता है ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद था, ध्रुव की माता का नाम सुनीति था और ध्रुव की विमाता का नाम सुरुचि था और सुरुचि के पुत्र का नाम क्या था, उत्तम था। और अगला है, तप के लिए जाते हुए ध्रुव को कौन मिले थे, नारद मुनि। अब अगला है, सही उत्तर लिखो। अब आपको हर वाक्य के बाद दो दो शब्द दिए गए हैं, आपको सही शब्द को चुनना है और अपने वाक्य को पूरा करना है। सबसे पहला है, राजा की बड़ी रानी का नाम। अब दो शब्द दिए गए हैं, सुरुचि और सुनीति। आपको पता है कि बड़ी रानी का नाम सुनीति था। अगला है, सुनीति के पुत्र का नाम क्या था, ध्रुव या उत्तम, ध्रुव। अगला है, गोद में ध्रुव को देखकर डैश रानी चिड़ गई, कौन सी रानी चिड़ी थी, छोटी रानी। अब अगला वाक्य है, ध्रुव के वन जाने पर राजा को डैश हुई, प्रसन्नता या चिंता। तो इसका सही उत्तर है चिंता हुई। अगला है, तपस्या से ध्रुव ने डैश को प्रसन्न किया, परमात्मा या पिता। तो किसको प्रसन्न किया, परमात्मा को। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, किस घटना ने ध्रुव को ध्रुव भक्त बना दिया। तो इसका उत्तर है, एक बार ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था लेकिन जो उसकी विमाता ने उसे मना कर दिया। वह रोता रोता अपनी माँ के पास पहुँच गया और सारी बात बताई। उसकी माँ ने उसे समझाया कि इस कठिन वक्त में हमारी मदद केवल भगवान ही कर सकते हैं। इसी कारण ध्रुव ने भगवान की भक्ति करने का निश्चय कर लिया। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे का नामकरण कैसे हुआ। तो इसका उत्तर है, ध्रुव ने अपनी अटल भक्ति से भगवान के दर्शन कर लिए थे, इसी भक्ति के कारण ही ध्रुव संसार में प्रसिद्ध हुआ। आकाश में उत्तर दिशा में एक तारा है जो सदा एक ही स्थान पर रहता है, एक ही स्थान पर रहने के कारण ही इस तारे को ध्रुव तारा कहा गया। अगला प्रश्न है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है।
इसका उत्तर है इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा भगवान पर विश्वास करना चाहिए और हमें कठिन परिस्थिति में भी कभी घबराना नहीं चाहिए। तो आज आप इस पाठ को भी अच्छे से पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को भी अपनी नैतिक शिक्षा की नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।